नमस्कार, मैं हूं कावेंद्र चौहान और वक्त है भारत एट नाइन का। भारतवासियों, ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं हर रोज रात आपके लिए न्यूज लेकर आता हूं और मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। दर्शकों, राहुल गांधी ने इमरजेंसी को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने उस पर पलटवार करते हुए उनके बयान को हास्यास्पद बता दिया। वहीं अर्जुन कपूर ने दीवार पर चढ़कर उनको और मलाइका को देख रहे एक शख्स को डांट लगा दी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में हुए एमसीडी उपचुनावों में 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। हर चीज खबर है और इन लोगों से हर जुड़ी बात भी खबर बनती है। मैं बताता हूं खबर क्या नहीं है। जो खबर नहीं है वो ये है कि जहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसी आम आदमी दफ्तर से चंद कदम दूर लोग हजारों किलोमीटर से आकर बैठ गए और कोई सुन नहीं रहा। जिस पार्टी की देश में सरकार है, उस पार्टी के कार्यालय में इन लोगों की एंट्री भी बंद। ये कौन है? ये देश विरोधी नहीं। ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 से जुड़े लोग, जिनकी गलती इतनी है कि ये बेचारे अपना हक मांग रहे दिल्ली आदमी, और दिल्ली में इनका स्वागत करने के लिए सरकार के पास लाठी भी मौजूद है। ये वो लाठी है जो दिखाती तो छोटी सी है, दिखती बहुत छोटी है, पतली सी, लेकिन ये सरकार की ताकत। आधुनिक युग में देश के अंदर लाठी की ताकत आज भी मौजूद है। लाठी की ताकत और चमक आज भी बरकरार, धमक भी बरकरार, लेकिन इस लाठी का दुर्भाग्य यह है कि यह लाठी उसी पर पड़ती है जो लोग वोट देकर इस लाठी की ताकत को बढ़ाते हैं। ताजा मामला काफी पुराना है। बीते 20 दिनों से दिल्ली में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी नियुक्ति की तलाश में दिल्ली के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार से लेकर मीडिया तक इनको सुनने की जहमत नहीं उठाना चाहता, क्योंकि यह बंगाल से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने टीका लगवा लिया, यह ज्यादा जरूरी है। फिलहाल रिपोर्ट देखिए। नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? जिन लोगों ने वर्दी पहनने का सपना देखा था, आज उन्होंने भारी बस्तों का बोझ उठा रखा है। सरकारी नौकरियों के नाम पर इन युवाओं के साथ क्रूर मजाक होता है। पहले परीक्षा, फिर इंतजार, फिर प्रदर्शन, फिर लाठी, नियुक्ति। नियुक्ति कहाँ है? तस्वीरों में लताड़े जा रहे ये लोग सिर्फ अपना हक मांगने दिल्ली के आईटीओ स्थित आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। इनमें से कई लोग उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, यूपी, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग बीते 20 दिनों से दिल्ली में धक्के खा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकी। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जहां बैंड बाजा बज रहा था, वहां इन बेबस आंखों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। जब हम देश में खुदकुशी के आंकड़ों की ओर गौर करते हैं तो किसानों की खुदकुशी के आंकड़े भी जहन में आते हैं। 8-10 साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा थे। किसानों की आत्महत्याएं कैसे कम हो, इस पर चर्चा होती थी। उन सरकारी नीतियों, उन कर्ज की व्यवस्थाओं की आलोचना होती थी जिनकी वजह किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती थी। अब किसानों से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा उन आत्महत्याओं का है जिनकी वजह नौकरी ना मिल पाना या गरीबी होती है। यह आंकड़ा 2018 के मुकाबले ज्यादा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों का भी आंकड़ा बढ़ता है, और बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। चुनाव से पहले सरकारें नौकरियां निकालती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। देश के लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे तैयारी में रातों की नींद जलाते हैं और फिर परीक्षा के इंतजार में कई साल निकल जाते हैं। अगर परीक्षा हो जाए तो नतीजे लटक जाते हैं, नतीजे भी आ जाएं तो ज्वाइनिंग देने में सरकार कई अड़ंगे लगा देती है, और जो युवा शक्ति देश के सृजन में शामिल होनी चाहिए थी, उन्हें नौकरियों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने पड़ते हैं, अपनी बात कहने के लिए मीम बनाने पड़ते हैं। सरकारें फिर भी नहीं सुनती, और तब सवाल मन में आता है कि हमारी देश की, हमारी सरकार की पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान में,
स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को, जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में, हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। 2014 में सरकार बनाने के साल भर बाद भी पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी हैं और नौकरियां भी हैं। दिक्कत बस इतनी सी है कि नौकरी से मिलाप का युवाओं में कौशल नहीं है। इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था और तब देश के पीएम ने युवाओं को सपने दिखाए। इस योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत सिर्फ 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाख को नौकरियां मिली। 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया। इन सब तस्वीरों को गौर से समझने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मार्मिक अपील भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, इनके मन का दर्द भी सुनना चाहिए। ये जो युवा है इनके मन में कितना दर्द है इसको भी सुनने की जरूरत है। इसको लेकर हमारी सहयोगी काजोल ने इन लोगों से सीधे बात की और इनके दर्द को समझा। आप काजोल की लोगों से इस मुलाकात को देखिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें खदेड़ा जा रहा है, किस तरह से इन्हें अंदर भरा जा रहा है। भाई मेरे आ जाओ। देखिए किस तरह से धक्का देकर इन्हें भरा जा रहा है, आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, अब किस तरह से। दरअसल एसएससी ने 2018 में एक भर्ती निकाली थी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। बोलचाल की भाषा में इसे एसएससी जीडी 2018 कहा गया। ये भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल्स में सिपाहियों के 54,000 पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60,210 पदों के लिए कर दिया गया। भर्ती के 3 चरण होते हैं, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जुलाई 2018 में, तीनों टेस्ट पूरा होते होते आ गया जनवरी 2021। 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती में करीब 85,000 से 90,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो तीनों स्टेज पार कर चुके थे, और इनमें से काफी ऐसे भी लोग थे जिनका ये आखिरी मौका था, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लेट लतीफी के चलते ये ओवरएज हो गए थे और अगली भर्ती में इन्हें जगह ना मिल पाती। ऐसे में एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों ने मांग की कि जब आपके पास तीनों परीक्षा पास करके 85,000 से 90,000 कैंडिडेट्स पड़े हुए हैं और सीटें भी खाली ही हैं, तो फिर सबको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती। लेकिन एसएससी ने अभ्यर्थियों की मांग को अनसुना कर दिया और करीब 54,000 सीटों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भर्ती और एसएससी सीजीएल 2020 का फॉर्म भरने में हुई दिक्कतों की वजह से छात्रों ने एसएससी को निशाने पर ले लिया है।
तो दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने बताया कि ये लोग बीते 20 दिनों से यहां, और सोचिए यहां इनके साथ पुलिस को इस तरह का सुलूक बस इसलिए है क्योंकि ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। सोचिए ये लोग दिल्ली के गुरुद्वारे में खाते हैं, दिन भर बस्ता ढोकर दिल्ली में सड़क सड़क घूमते हैं। फिलहाल देश में सब कुछ चंगा है। गुड नाइट, थैंक यू।